Hello everyone, welcome to Signet Tutoring, my YouTube channel. Today the topic we are going to discuss is electrostatics. Electrostatics और ये जो lecture है ये है 10th class के लिए. 10th class के boards आने वाले हैं, so my idea is कि मैं maximum जितना 10th class का physics का syllabus cover up करा पाऊँ और मैथ का भी मैं कोशिश करूंगा सिलेबस कवर कराने की. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज 10th क्लास के अंदर हम इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. ठीक है, इसमें पहली चीज हम पढ़ते हैं चार्ज के बारे में. अच्छा, यहां पे मैं बता दूं आपको, चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो उस फिजिक्स को कहा जाएगा इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, और जब चार्ज मोशन में होगा तब उसे कहा जाएगा करंट. ओके, तो आई होप ये बेसिक चीज से आपको क्लियर हुई होगी. मैं स्टार्ट करता हूं बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से चार्ज की और कंप्लीट करते हैं ये वाला कोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट चार्ज. व्हाट इज चार्ज? ये क्वेश्चन जनरली हमारे क्वेश्चंस ये आता है क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर, दो नंबर का एक नंबर का क्वेश्चन आता रहता है व्हाट इज चार्ज. तो चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी because of which a body opposes another body. ठीक है, चार्ज क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है. चार्ज को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं, स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी डील नहीं है. ठीक है, स्मॉल क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल क्यू से भी कर सकते हैं. तो नेक्स्ट थिंग कम्स कि एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? एसआई यूनिट होती है कूलम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं. चार्ज आर ऑफ टू टाइप्स, एक हो जाएगा पॉजिटिव, एक हो जाएगा नेगेटिव. अच्छा, न्यूट्रॉन भी एक चार्ज होता है, ये प्रोटॉन हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, न्यूट्रॉन भी है, पर जनरली हम लोग न्यूट्रॉन को कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में. चार्ज एक प्रोटॉन का होता है 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, 1.6 इंटू 10^-19 कूलम माइनस का. तो ये पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात होगी, ये नेगेटिव चार्ज के बारे में बात. तो चार्ज हमने देखा कि चार्ज क्या है. चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ विच अ बॉडी अपोजेस अनदर बॉडी. ऐसा ही जैसे कूलम है, टू टाइप का हो गया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. और किस तरह की क्वांटिटी है ये? स्केलर. अच्छा, ये अट्रैक्ट कर रहा है और रिपेल कर रहा है, क्यों कर रहा है इसको भी देखते हैं. ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? देखो बच्चों, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी तरीके से एक फील्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. अच्छा,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, सपोज कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, और ये किसी चार्ज को या तो अट्रैक्ट करता है रिपेल करता है। तो कंसेप्ट क्या है, अट्रैक्ट और रिपेल क्यों करता है? मैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर आऊंगा, यूनिट पॉजिटिव से मतलब हो जाएगा मैग्नीट्यूड इसका 1 यूनिट। मैं इसको पास लेकर आऊंगा प्लस क्यू चार्ज, इसको रिपेल करेगा। रिपेल क्यों करेगा? लाइट चार्जेस रिपेल, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये इसको रिपेल करेगा और इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ऐसे अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज चारों तरफ लिया हूं इसके, तो ये कुछ इस तरीके से फोर्स लगाएगा सबके ऊपर। तो ये बात तो हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होती है, सिमिलरली नेगेटिव के लिए इनवर्ड हो जाएगी। डेफिनेशन यही कहती है कि मैं पॉजिटिव चार्ज को लेकर आऊंगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, और मैं देख लूंगा कि उसके फोर्स ऑफ डायरेक्शन क्या है उसके ऊपर, और वही डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो ये जो एरिया हुआ जहां तक इसको अट्रैक्ट कर सकता है रिपेल कर सकता है, ये जो एरिया हुआ जहां तक इसको अट्रैक्ट कर सकता है रिपेल कर सकता है, ये इसकी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके दायरे के बाहर ये किसी को ना तो अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा। और अट्रैक्ट और रिपेल इस कंसेप्ट से होता है कि लाइक चार्जेस होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करेंगे। यहां तक आओ, यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को? नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल, पोटेंशियल की बात करते हैं। अच्छा, पोटेंशियल क्या होता है? सपोज कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और मैं इसको लेकर आया कहां से? इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे, है ना? ये चार्ज है क्यों, और मैं r डिस्टेंस पे इसको लेकर आ गया, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा होगा, मुझे कुछ वर्क करना पड़ा होगा। वो वर्क जो है उसे हम पोटेंशियल कहते हैं। किस तरीके से? देखिए, पोटेंशियल क्या है? वर्क डन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, इसे मैं क्या कहूंगा? पोटेंशियल। जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है, हम ये डेफिनेशन लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ध्यान रखने वाली बच्चों ये है, जनरली आप 10th क्लास के अंदर इसको लिख देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं डिनोट कर रहा हूं इसे, वो मैंने गलती से लिख दिया था। एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम यहां बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं वी से। आप डेल्टा वी भी लगा सकते हो, आप ये भी लगा सकते हो, ठीक है, मैं सिंपली वी लगा रहा हूं।
आप डेल्टा भी ला सकते हो, दोनों एक ही चीज। ये हो जाएगा वर्क अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा यहां पे जो काम हो रहा है हमें ये ध्यान रखना है कि यहां पे जो वर्क हो रहा है दैट इज वर्क एक्सटर्नल, यहां पे जो वर्क हो रहा है दैट इज वर्क एक्सटर्नल। ये चीज यहां याद रहेगी तो जब 12th क्लास के अंदर आप साइंस लेंगे और फिजिक्स में ये चीज पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आसान हो जाएगा, समझ आएगा। और वर्क एक्सटर्नल कौन कर रहा होता है, जो बैटरी हम लोग लेकर आते हैं वो वर्क एक्सटर्नल कर रहा होता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V, एंड दैट V इज इक्वल्स टू वर्क बाय Q नॉट यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अभी मैं वर्क एक्सटर्नल ना लिख के सिर्फ W लिख रहा हूं, एक्सटर्नल लिखेंगे तो भी सही है, मैं फिलहाल के लिए सिर्फ W लिख रहा हूं। आप मान लीजिए कि मैं एक्सटर्नल की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। इसको नापने का इंस्ट्रूमेंट है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है। वोल्टमीटर क्या होता है, सर्किट देखे, जैसे हम सर्किट देखते हैं यहां एक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस आर। इसका काम क्या है, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करता है, इसको हम कनेक्ट करते हैं कहां, इट इज कनेक्टेड पैरेलल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल, हमने इसको कनेक्ट कर दिया पैरेलल में। ये वोल्टमीटर है, कनेक्ट होता है पैरेलल टू द रेजिस्टेंस, जिसका हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जिसका हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये आती है, इसका रेजिस्टेंस किस तरीके का होता है, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इसलिए अगर मैं करंट फ्लो करवाता हूं यहां पे, तो करंट कुछ यहां चला जाता कुछ यहां चला जाता, तो जो रीडिंग आती वो इस वाले करंट के हिसाब से आती या फिर इस करंट के हिसाब से आती, और मुझे चाहिए थी कंप्लीट करंट आई की वजह से, तो यहां इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसकी वजह से यहां करंट जा ही नहीं पाता, सारा करंट यहां से चला जाता और रीडिंग आ जाती है, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की, ऐसा यूनिट वोल्ट, ठीक है। तो बच्चों हमने देख लिया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जिसको हम लिखते हैं W बाई क्यू नॉट, ठीक है। वोल्टमीटर क्या है, जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, कनेक्ट किया जाता है पैरेलल टू द रेजिस्टेंस, जिसका कि हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तीसरा ये आइडियल वोल्टमीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, आइडियल वोल्टमीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, वो मैंने बता दिया आपको क्यों। ऐसा यूनिट होती है वोल्ट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V इक्वल्स टू वर्क की जूल अपॉन कूलम, तो जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं इसको, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, इसको डिनोट करेंगे हम V से। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत टाइम बाद मैंने यूट्यूब पे लेक्चर बनाया है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके बोर्ड जो एग्जाम्स होंगे 10th क्लास के बच्चों के, उससे पहले मैं मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और फिजिक्स के ऑलमोस्ट कंप्लीट सिलेबस के मैं लेक्चर्स यूट्यूब पे डाल दूं। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।